सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A1 टेक में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन एंड बेस्ट लोन एप्लीकेशन। अगर आपको 20,000 तक का या 30,000 या 50,000 के अंडर आपको लोन चाहिए, वो भी बिना किसी सैलरी स्लिप के, बिना किसी इनकम प्रूफ के, तो आज के इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको 15,000 से 20,000 या 18,000 का लोन चाहिए तो आपको कैसे लेना पड़ेगा एंड कौन से वो बेस्ट एप्लीकेशन है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने जितने भी लोन एप्लीकेशन से लिए हैं उन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो बेस्ट एप्लीकेशन है जिनसे आप ये लोन ले सकते हो। एंड इसमें आपको कोई भी सैलरी स्लिप, कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की मदद से आप ये लोन ले सकते हो, जिसमें आपसे कम से कम भी आपको 4 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा इसको रीपेमेंट करने के लिए, और आसान से EMI के साथ में इसका आप रीपेमेंट भी कर सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी कर देना। ऐसे और वीडियो अगर आपको देखनी है तो कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। और एंड हम जो एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इनका हम रिव्यू भी करेंगे एंड ये कौन से वो बेस्ट एप्लीकेशन है, सबका लिंक भी आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड कुछ क्राइटेरिया आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो एज है वो 19 साल प्लस आपकी एज होनी चाहिए, मतलब आपका 2002 डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए आधार कार्ड में, तभी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में 2003 आपका डेट ऑफ बर्थ है या फिर 2004 आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप उस कंडीशन में लोन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2002 है लास्ट, तो वहां पे आप ये लोन अप्लाई कर सकते हो। एंड ये जो एप्लीकेशन का लिंक है ये मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अगर इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, चाहे वो अपनी डिटेल फिलअप करने में हो या फिर आपका लोन रिजेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में भी आपको स्क्रीनशॉट मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड करना पड़ेगा एंड आपको मैं नया एप्लीकेशन सजेस्ट करूंगा एंड मैं आपका DSA से लोन करके दूंगा, जिसमें आपका कोई भी चार्ज आपको एडवांस में पे नहीं करना पड़ेगा। लोन होने के बाद में आपको 100 से 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, वो भी आपके अकाउंट में विड्रॉल होने के बाद में। अगर आपका ज़्यादा कुछ क्राइटेरिया आपका ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स पे लोन लेना है और कैसे आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, कौन से वो बेस्ट एप्लीकेशन है। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।